सुप्रभात बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करके आज हम पार्ट 3 वसंत हिंदी का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। कराग्रीवस्थि लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रातः कर दर्शनम। प्रातःकाल हाथों के दर्शन करने से हाथों के आगे लक्ष्मी का निवास होता है, हाथों के बीच में सरस्वती माँ का निवास होता है और हाथों के मूल यानी नीचे अंत में गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। इसलिए सुबह दर्शन करने चाहिए। हिमालय की बेटियाँ, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बच्चों आप बड़े ध्यान से इसे सुनिए और इसको पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नग्न धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप ही हिमालय को सुसर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। सिंधु और ब्रह्मा पुत्र में दोनों ही महानदियां हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है और ये भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, इन बिंदुओं से बड़ा ज्ञान मिलता है। अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नदियों के बारे में खूब सारी जानकारी प्राप्त होगी। कुछ यहाँ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए।